इतिहास के पन्नों से आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में 25 अक्टूबर किस तरह दर्ज हुआ। सन 1881 में आज ही के दिन स्पेन के पाब्लो पिकासो नामक चित्रकार का जन्म हुआ। उनकी कई कलाकृतियों को विश्व ख्याति प्राप्त हुई थी। 1924 को भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। वहीं 25 अक्टूबर 1951 यानी कि आज ही के दिन भारत में पहली बार आम चुनाव की शुरुआत हुई। 1964 को अवादी कारखाने में पहली स्वदेशी टैंक विजयंत का निर्माण किया गया। वहीं 1971 को आज के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए मतदान हुआ। 1980 को प्रसिद्ध कवि साहिर लुधियानवी का निधन हुआ। 1995 में आज के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र के 50वीं वर्षगांठ पर सत्र को संबोधित किया। सन 2000 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 13 दिन के अभियान के बाद सकुशल धरती पर वापस लौटा। सन 2003 में आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा समाज सुधारक पांडुरंग शास्त्री अठावले का निधन हुआ। और वहीं सन 2005 को प्रसिद्ध हिंदी लेखक निर्मल वर्मा का निधन हुआ। ये थी बातें इतिहास के पन्नों से। सुनते रहिए 107.8 FM हिमगिरी की आवाज आपकी।